Hello kids, how are you today? I am Agnes, your teacher. So today is Friday. Today is a Hindi day. We are going to do Hindi work today. Okay? So, बच्चो देखिए अभी हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं. इस एक्टिविटी में हम दो अक्षर के शब्द कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे. पिछली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में आपने सीखा था कि दो अक्षर को जोड़कर शब्द को कैसे पढ़ते हैं. इस वीडियो में देखेंगे हम कि दो अक्षर के शब्द को लिखते कैसे हैं. ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मग. मग के लिए सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा? म. ग. अब इनको जोड़ने के लिए हमने क्या करना है, एक ऊपर लंबी स्लीपिंग लाइन लगानी है. ये क्या बन गया बच्चों? मग. अगला शब्द है एक. एक के लिए हम क्या लिखेंगे? ए से एड़ी. ए. फिर क्या लिखेंगे? क. और इनको जोड़ देंगे स्लीपिंग लाइन लगा के. ये बन गया एक. अगला वर्ड है छत. छत के लिए हम छ लिखेंगे सबसे पहले. छ. त. एंड इनको जोड़ने के लिए ऊपर स्लीपिंग लाइन. ये बन गया छत. लास्ट वर्ड है खत. खत के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ख. यस, ये बन गया खत. आपने एंजॉय किया बच्चों? आप भी घर पर इस एक्टिविटी को करना ट्राई करो. ओके, अभी हम सब अपनी नोटबुक के अंदर इन सारे वर्ड्स को जो भी हमने एक्टिविटी में सीखे हैं उन सब वर्ड्स को हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे. जैसे कि आपको ये नोटबुक पे पेपर पे दिख रहा है कि मैंने ऑलरेडी ये सारे शब्दों को लिखा हुआ है. आपने सेम शब्दों को देखकर इस पेज को कंप्लीट करना है. तो अभी हम लिखना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे म. ग. मग. इनको स्लीपिंग लाइन लगा के दोनों को जोड़ देंगे, दोनों अक्षर को जोड़. नेक्स्ट वर्ड है एक. ए. क. हम दोनों अक्षर को जोड़ना है. ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे छ. त. ध्यान रहे बच्चों, आपको ये थ्री सेंटर की जो मिडल लाइंस हैं सिर्फ इन लाइंस में ही नोटबुक में वर्क करना है. ना आपको ऊपर वाली लाइन को टच करना है, ना आपको बॉटम लाइन को टच करना है. वन टू थ्री, ये थ्री लाइंस में ही लिखना है. ओके, ये बन गया छत. लास्ट वर्ड है खत. खत के लिए हम लिखेंगे ख. त. खत. अब आपको ऐसे ही सेम सब वर्ड्स को देखकर लिखना है, पूरा पेज कंप्लीट करना है. ऊपर डेट डालना है आप सबने एंड सी डॉट डब्ल्यू लिखना है. एंड देखिए अब बच्चों, अगर आपके पास में एलकेजी की वर्कबुक्स पड़ी हुई हैं तो उसमें आप पेज नंबर 2020 कर सकते हैं. अगर वो वर्कबुक्स नहीं है तो जिन नोटबुक पे, हिंदी नोटबुक पे आप रोज वर्क करते हैं, आप उस नोटबुक पे ये वर्क कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.